हाय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही रिलैक्स भी होंगे, क्योंकि आजकल तो क्लास करना नहीं है। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं। वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे भी विद्यार्थियों को जो है अधिकांशतः इंटरटेनमेंट वीडियो देखने में अच्छा लगता है। बहुत ऐसे लोग हैं 2-4 मिनट स्किप वगैरह करके इधर उधर देख लेते हैं, हो गया काम बन गया। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। आज का पॉइंट हम लोग का है लेंस का क्षमता। कॉपी कलम निकालिए, हेडिंग डालिए लेंस का क्षमता। पावर ऑफ लेंस, लेंस का क्षमता बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे पहले हम आप लोग को एक वीडियो बनाए होंगे, आप लोग जाके देखेंगे लेंस से संबंधित। उसमें लेंस क्या है, लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, लेंस को द्रव में डुबाते हैं तो कौन कौन स्थितियां होती है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेंस का क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता किसे कहेंगे बाबू? तो लेंस की फोकस दूरी की व्युतक्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी की व्युतक्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। आइए मान लेते हैं कि कोई लेंस है, चाहे उत्तल हो या विद्यार्थियों अवतल हो, दोनों में से कोई हो, कोई लेंस है जिसका फोकस दूरी एफ मीटर है। कितना है जी? एफ मीटर है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होगा पी इक्वल टू 1/f, चूंकि लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। फिर से एक बार सुनेंगे, लेंस के फोकस दूरी के व्युतक्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। मान लेते हैं कोई लेंस है जिसका फोकस दूरी कितना है, एफ मीटर, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 1/f। ये फॉर्मूला हम लोग उस स्थान पर यूज करेंगे विद्यार्थियों जहां फोकस दूरी किसमें दिया हो, मीटर में। लेकिन यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऐसे आप लोग सूत्र ही लगा करके, परिमाण रख करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सूत्र में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। देखिए कैसे, हम लोग सिंपल जानते हैं बाबू कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जैसे आप लोग पीछे जान चुके होंगे कि यदि 25 सेंटीमीटर को विद्यार्थियों मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इस 25 में 100 से डिवाइड कर देते हैं, भाग देने के बाद लिख देते हैं 0.25 मीटर। ठीक ऐसा ही इस एफ मीटर फोकस दूरी वाले क्षमता के लेंस के सूत्र को चेंज करना हो सेंटीमीटर में, तो हम लोग करेंगे क्या कि विद्यार्थियों इसमें भी 100 से भाग दे देंगे। जैसे ही 100 से भाग देंगे, 100 को ऊपर भेज दीजिए, हो जाएगा 100/f, P इक्वल टू 100/f। ये फॉर्मूला जो है जब फोकस दूरी मीटर में दिया हो तब यूज कीजिएगा, और ये फॉर्मूला जो है जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तब यूज करेंगे। इस पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछता है कि एफ मीटर फोकस दूरी वाले लेंस का क्षमता कितना होगा। जहां देखेंगे ऑप्शन आप 1/f वहां टिक आउट कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एफ सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का क्षमता कितना होगा, तो हो जाएगा 100/f। अब रहा बात कि
लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा उत्तल। और ये बात हम लोग जानते हैं बाबू कि अवतल का जो फोकस दूरी होता है माइनस में, और उत्तल का जो होता है प्लस में। अवतल का माइनस में, उत्तल का प्लस में। अब इस कंडीशन में लेंस के क्षमता में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो। यदि लेंस उत्तल है तो उसका जो क्षमता होगा धनात्मक होगा, और यदि लेंस अवतल है तो इसका क्षमता ऋणात्मक होगा। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है। अब आइए हम लोग इसका सूत्र निकाल कर देखते हैं, सॉरी इसका SI मात्रक निकाल लेते हैं कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा। तो फॉर्मूला है बाबू P बराबर, कोई भी मात्रक निकालने के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, P बराबर 1/F, जहां F क्या है बाबू, फोकस दूरी। F क्या है, फोकस दूरी है। और डिस्टेंस चाहे कोई भी हो, डिस्टेंस का जो भी हम लोग यूनिट SI यूनिट यूज करते हैं वो मीटर होता है। सो हम लोग इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हैं 1/F फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी का मात्रक क्या होगा जी, मीटर हो जाएगा। SI मात्रक हम लोग निकाल रहे हैं इसका। अब देखिए इस मीटर को हम लोग 1/मीटर हुआ है तो इसको मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, और इसी मीटर इनवर्स को डायोप्टर भी कहते हैं। डायोप्टर भी कहते हैं जिसको शॉर्ट में D लिखा जाता है। सो लेंस के क्षमता का SI मात्रक क्या होगा जी विद्यार्थी, डायोप्टर होगा। क्या होगा, डायोप्टर होगा। अब चलिए इस पर हम लोग दो क्वेश्चन छोटे छोटे एकदम इजी वे, छोटे छोटे दो क्वेश्चन बना करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दिया गया हो एकदम इजी वे, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया हो कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता कितना होगा। देखिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता कितना होगा, एकदम इजी। ये कौन सा दिया है परिमाण जी, फोकस दूरी। F का मान दिया है कितना सेंटीमीटर विद्यार्थियों, 25 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, उत्तल। हम लोग जानते हैं कि इसका फोकस दूरी क्या धनात्मक होगा, सो F इक्वल टू प्लस 25 सेंटीमीटर। बात रहा कि यदि सेंटीमीटर में परिमाण दिया हो तो उसके लिए सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे, तो P बराबर 100/F, यानी P बराबर 100/25 भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर एकदम इजी है। ये परिमाण प्लस में आया जिससे स्पष्ट क्या हुआ, लेंस उत्तल है। और जानते हैं विद्यार्थियों कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का क्षमता तथा प्राकृतिक बताएं। यही से देख लेंगे, यदि ये माइनस में नहीं दिया है प्लस में दिया है, आंसर प्लस में आया तो बताएंगे कि ये उत्तल लेंस है, और यदि यहां माइनस में आएगा तो बताएंगे कि अवतल लेंस है। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन, इसको नोट करते चलेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 50 सेंटीमीटर, अब इसी को हम लोग यही माइनस करके देख लेते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्षमता कितना होगा। तो इसके लिए फोकस दूरी कितना हो जाएगा जी, 50 सेंटी, लेंस कौन सा है अवतल, सो माइनस 50 सेंटीमीटर। और जैसे ही यहाँ देखेंगे माइनस 50 सेंटीमीटर, तो ये क्षमता आ जाएगा -2 डायोप्टर। तो इस प्रकार लेंस की क्षमता को हम लोग ज्ञात करते हैं, लेंस की क्षमता ज्ञात किया जाता है। आई विश कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक बात और बताते हैं विद्यार्थियों, आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण कार्य है स्टडी। आपके पास यदि मोबाइल फोन है तो
तो ये मत सोचिए कि हम उस मोबाइल फोन या उसके डेटा का यूज फालतू में अन्य वीडियो देखने में करें। स्टडी का वीडियो देखिए, आप घर पे हैं तो आपके लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी फिलहाल सारे क्लास में बंद चल रहे हैं। सो हमारी तरफ से ये एक आप लोगों को सलाह दे है कि आप लोग YouTube से पढ़िए या फिर किताब से पढ़िए, घर पे पढ़िए। घर पे रहिए तो अत्र तत्र यहाँ वहां ना जाए, घर पे रहे तो पढ़े। ये लेंस के क्षमता का बात है, छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, समतुल्य लेंस। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समतुल्य लेंस, जस्ट इसके बाद पढ़ाते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। पहले देखिए समतुल्य लेंस, हेडिंग डालिए समतुल्य लेंस। इक्वावैलेंट लेंस, समतुल्य लेंस किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक लेंसों के बदले, जैसे यह एक लेंस है, इसी से एक और संपर्कित कर दिया, दो हो गया, या दो से अधिक भी लेते हैं, एक और संपर्कित करते हैं, तीन चार पांच छह सात जितना मन करे उतना। दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक लेंस को उस लेंस युग्म का, यानी उस लेंस के योग्य है, जो जुड़े हुए लेंस है, उनका समतुल्य लेंस कहते हैं। दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक लेंस को उस लेंस युग्म का समतुल्य लेंस कहते हैं। एकदम इजी जानते होंगे आप लोग, जैसे कोई दो तीन व्यक्ति है और कोई एक व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति मिलती दो तीन व्यक्ति मिलकर के जितना काम किया उतना काम एक कोई अकेले कर दिया, या दो तीन व्यक्तियों के पास जो पावर है उतना किसी एक के पास अलोन पावर है, तो उन दोनों तीनों के समतुल्य वो एक है। जो तीनों चारों दो तीन चार पांच दस जितने हैं उन पर एक यदि भारी पड़ रहा है, उनके एकदम बराबर काम कर रहा है, तो उस एक को उन दोनों तीनों चारों पांचों दसों का समतुल्य कहेंगे, बराबर कहेंगे, सेम ऐसा ही कंडीशन। दो तीन मिल करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे यहां एक वस्तु रखें, दोनों तीनों मिल के वस्तु का प्रतिबिंब बना दिए 10 सेंटीमीटर पर। इतना दूरी प्रतिबिंब बना रहे हैं 10 सेंटीमीटर, आई अकेले बना रहा है 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, तीन दोनों तीनों के तुल्य ये एक हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं समतुल्य लेंस। तो समतुल्य लेंस का डिफिनेशन एकदम इजी है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वो बता रहे हैं दो या दो से अधिक लेंसों के बदले, दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक लेंस को उस लेंस युग्म का समतुल्य लेंस कहते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन बताते हैं कि दो या दो से अधिक लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब जितना दूरी पर बनाते हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक लेंसों के द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की दूरी एक लेंस से बने प्रतिबिंब के दूरी के बराबर हो, तो उस एक लेंस को उन लेंस युग्म का समतुल्य लेंस कहते हैं। दो तीन मिल करके जितना दूरी पर प्रतिबिंब बना रहे हैं और एक अकेले उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बना दिया, उसको हम लोग समतुल्य लेंस कहेंगे। आइए हम लोग समतुल्य लेंस का सूत्र निकालते हैं, इसका व्यंजक निकालते हैं कि आखिर दो या तीन लेंस एक साथ जुड़े होंगे तो उसका व्यंजक कैसे निकलेगा,
और कितना होता है? आइए देखिए सूत्र के माध्यम से। हम लोग दो लेंस ले लेते हैं, पतला उत्तल लेंस है और इसी से संपर्कित करके एक और लेंस यहां लगा दी। दोनों लेंसों का नाम रख देते हैं, एक का नाम रखते हैं L1 और दूसरे का नाम रखते हैं L2। L1 और L2 दो उत्तल लेंस है, मान लेते हैं। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, ये इनके प्रकाशीय केंद्र है, लेंस का मध्य भाग। एक के प्रकाशीय केंद्र का नाम रख देते हैं P1 और दूसरे के प्रकाशीय केंद्र का नाम रख देते हैं P2। दो लेंस। इस पहले लेंस के सामने प्रधान अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु रखे हैं जिसका नाम रख देते हैं O। इस बिंदुवत वस्तु से एक प्रकाश की किरणें इस लेंस पर आपतित हो रही है इधर से, और एक ये तिरछी निकल रही और एक यहां से सीधे प्रधान अक्ष से होकर गुजर रही, एक इस रास्ते से होकर चल रही। दो किरण होगा क्या कि जो इस प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी वो सीधे पार कर जाएगी, लेकिन जो यहां से तिरछी उत्सर्जित होगी उसका लेंस द्वारा अपवर्तन होगा। अब ये पहले लेंस से अपवर्तित होगी और आगे बढ़ेगी, पहले लेंस से अपवर्तन के बाद ये पहुंचेगी दूसरे लेंस पर। दूसरे लेंस पर देखिए, यहां समझिएगा, यही मेन चीज समझना है। पहले लेंस से अपवर्तित होके दूसरे लेंस पर पहुंची, यहां से तो इस प्रकाश को सीधे जाना चाहिए, यहां से इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी, दूसरे से भी इसका अपवर्तन होगा और ये यहां चली जाएगी। यदि बाबू ये दूसरा लेंस नहीं होता तो पहले लेंस के द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब जो है यहां बनता बनता ना, लेकिन ये दूसरे लेंस के कारण पुनः अपवर्तित हुआ और प्रतिबिंब कहां बन गया? क्या तो मुख्य प्रतिबिंब कहां बना? यहां पर। वस्तु ओ का मुख्य प्रतिबिंब मान लेते हैं कहां बना? आई पर, दोनों लेंसों के द्वारा। लेकिन एक लेंस से प्रतिबिंब कहां बना? तो यहां बन रहा है, इसका नाम रख देते हैं आई डैश। फिर से समझिएगा इस बात को। दो लेंस लिए, नाम है L1 L2, L1 N2, दो लेंस है जिसके ये प्रधान अक्ष हो गए, प्रकाशीय केंद्र P1 P2। इसी प्रधान अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु रखे हैं जिसका नाम क्या है? जी O। इस बिंदुवत वस्तु से दो प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हुई, एक जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही, ऐसे तो बहुत सारे प्रकाश किरणें उत्सर्जित होगी लेकिन दो के द्वारा चित्र आसानी से बन जाएगा, सो हम लोग दो ही ले रहे हैं, और एक यहां से तिरछी जो सीधे प्रधान अक्ष से जाएगी वो सीधे गुजर जाएगी, प्रधान अक्ष कौन से हो जाएगी? सीधे जाएगी, लेकिन यहां से जो तिरछे जाएगी उसका पहले लेंस से अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद वो यहां पहुंचेगी। यहां ध्यान से देखिएगा चित्र में, यदि ये लेंस नहीं होता तो यहां से ये सीधे जाती यहां पर, लेकिन लेंस है फिर यहां परतन होगा और ये पहुंच जाएगी कहां? L2 पर। L2 पर पहुंचेगी। इस परिस्थिति में, इस स्थिति में वस्तु O का जो प्रतिबिंब है कहां बना? आई पर, दूसरे लेंस। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? पहले तो परिभाषा बता दी, परिभाषा लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका व्यंजक निकाल लें, उसके लिए लिखेंगे कि माना कि, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्लो करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। माना कि L1 तथा L2 दो उत्तल लेंस है, दो उत्तल लेंस है
जिसकी प्रधान अक्ष पर ओ कोई बिंदु वस्तु स्थिर है, जिसका लेंस L1 से प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, जो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका दूसरे लेंस से प्रतिबिंब आई पर बनता है। बात को समझिएगा, L1 N2 दो उत्तल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर ओ कोई बिंदु वस्तु है, जिसका पहले लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर। ये प्रतिबिंब दूसरे के लिए आभासी वस्तु का यानी काल्पनिक वस्तु का काम किया, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पर। अब चलिए, अब इस सूत्र को हम लोग ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f, ये ना फॉर्मूला है जी। इसमें देखिए, पहले लेंस से प्रतिबिंब कहां बना, आई डैश पर। प्रतिबिंब दूरी हम लोग मान लेते हैं, प्रतिबिंब दूरी किसे सूचित करते हैं, बी से, डैश वाली बात है, सो इसके डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं बी डैश, 1/b। पहले लेंस के तो वस्तु यही है, तो वस्तु दूरी वही रहेगा 1/u = इसके लिए फोकस दो दो लेंस है, तो एक के फोकस F1 मान लेंगे, दूसरे का फोकस F2, तो ये हो जाएगा 1/F1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे देखिए, पहले लेंस के लिए हो गया, इसके बाद दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होगा 1/v - 1/u = 1/f। ध्यान से देखिएगा, 1/ दूसरे से प्रतिबिंब कहां होना, आई पर, तो प्रतिबिंब दूरी रख लेते हैं भी, माइनस दूसरे के लिए वस्तु का काम कौन किया, आई डैश, आभासी वस्तु काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए आभासी वस्तु का काम किया, आभासी वस्तु का काम कर रहा है, सो ये जो दूरी होगा वो वस्तु दूरी, दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु दूरी, अतः यू न लिखे क्या लिखेंगे, बी डैश, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब दूरी पहले से प्रतिबिंब आई डैश पर बना, जिसका मान कितना रखे हैं, बी डैश, और दूसरे के लिए यही वस्तु काम किया, सो वस्तु दूरी का काम करेगा, ये हो जाएगा बी डैश, और दूसरे का फोकस दूरी हो गया F2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को, ये समीकरण 2 है, 2 को जोड़ने पर, जोड़ दिया जाए। चलिए, लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ जोड़ेंगे और राइट को राइट की तरफ जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, पहले समीकरण का लेफ्ट है 1/v - 1/u प्लस दूसरे का लेफ्ट है 1/v - 1/v बराबर, पहले का राइट है 1/f1 आप प्लस दूसरे का राइट है 1/f2। अब देखिए तो ये 1/v प्लस में है और ये माइनस, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना, यह दोनों 1/v - 1/u = इधर, अब इधर कितना बचा 1/f1 + 1/f2। अब लेंस सूत्र से हम जानते हैं
वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू। ये समतुल्य लेंस के फोकस दूरी का सूत्र निकल गया, यानी एक बटा एफ बराबर होगा एक बटा एफ वन प्लस एक बटा एफ टू के। ऐसे ये तो सूत्र हम लोग दो लेंस लिए थे तो दो निकला। यदि लेंसों की संख्या एन हो, अनेक हो, बहुत सारे लेंस हो तो क्या होगा? तो बहुत सारे लेंस होंगे तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, यदि लेंसों की संख्या एन हो तो फॉर्मूला ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिए, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू प्लस वन बाई एफ थ्री डैश 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 प्लस वन बाई एफ एन, एन तक ऐसे ही हम लोग ऐड कर देंगे। ये निकल गया समतुल्य लेंस के फोकस दूरी का व्यंजक, समतुल्य लेंस के फोकस दूरी का व्यंजक। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं आपको समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, फिर से बताने की कोशिश करते हैं हम। एक बार ध्यान से सुन लीजिए जल्दी जल्दी में। समतुल्य लेंस किसे कहेंगे, कैसे लिखना है ये चीज जान लीजिए। समतुल्य लेंस तो दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक लेंस को उस लेंस युग्म का समतुल्य लेंस कहते हैं, या दो या दो से अधिक लेंसों से किसी एक वस्तु के बने प्रतिबिंब की दूरी एक लेंस से बने प्रतिबिंब दूरी के बराबर हो तो उस एक लेंस को उस लेंस युग्म का समतुल्य लेंस कहते हैं। इसके लिए हम लोग दो लेंस ले लिए हैं जिसका नाम L1 और L2। माना कि L1 तथा L2 दो पतले उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी F1 तथा F2 है, जिसके प्रधान अक्ष के सामुख O कोई बिंदु वस्तु स्थिर है, जिसका पहले लेंस से प्रतिबिंब I' पर बनता है, जो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ये भी हो जाएगा। अब देखिए पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र यूज किए, लेंस सूत्र यूज किए और आसानी से पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब I' पर बना, अतः प्रतिबिंब दूरी B' ले ली, इसको समीकरण एक मान लिए। दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र से दूसरे लेंस से प्रतिबिंब I पर बना, डैश वाली बात नहीं है, सो वन बाई वी, और दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु का काम किया, वस्तु का काम किया, सो वन बाई वी डैश इक्वल टू वन बाई एफ टू। समीकरण दो, दोनों समीकरण को जोड़ दिए, जो कटने वाला था कटा दिए, अंत में समीकरण एक और दो से जो मान मिला वो आया वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू। उसके बाद यहाँ तो दो ही सूत्र, दो ही चित्र में दो ही लेंस जुड़े थे, तीन जोड़ते, चार जोड़ते, पांच जोड़ते, उसके लिए फॉर्मूला नीचे लिख दिए, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू प्लस वन बाई एफ थ्री डैश 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 प्लस वन बाई एफ एन। अब हम आप लोगों को चंद्र मिनट का समय देते हैं, इसको नोट कीजिए, ये फोकस दूरी का व्यंजक निकालें, इसके बाद इसके क्षमता का व्यंजक निकालते हैं, जल्दी नोट कीजिए। अब आप इसको नोट कर लिए हो, थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ एक बार एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस पे, इधर से नोट कर लिए हो, मिटा दें इनको। देखिए यहाँ वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू जो लिखे हैं, इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़कर देखते हैं। वन बाई एफ इक्वल टू बाटा के जोड़ बनाते हैं इनका, देखिए एफ वन और एफ टू का एलसीएम निकाल देंगे, एफ वन इंटू एफ टू, जब एफ वन इंटू एफ टू ये हो जाएगा, एफ वन इंटू एफ टू बाटा का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ एफ वन से तो एफ वन एक बार कैंसिल, तो बचे कितना एफ टू, हाँ उसके बाद प्लस में एफ वन है, एफ वन प्लस एफ टू। अब इसको हम लोग उलट दें, इसको उलट दें तो एफ बराबर इसको उलट देंगे तो हो जाएगा एफ वन इंटू एफ टू बटा एफ टू प्लस एफ वन या एफ वन प्लस
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि एफ वन तथा एफ टू, ध्यान से सुनिएगा, एफ वन तथा एफ टू फोकस दूरी के दो पतले उत्तल लेंस एक दूसरे से संपर्कित हो तो लेंस का समतुल्य फोकस दूरी कितना होगा। और इसी प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। सो आप लोग आसानी से, हम लोग यहाँ तो निकाल दिए थे वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू, इसका बाटा जोड़ बना दिए, एफ वन एफ टू का एलसीएम निकाले, एफ वन इंटू एफ टू और इसके बटा का जोड़ बना दिए, एफ वन से एफ वन, एफ वन से एक बार इसमें भाग देंगे, एफ वन कैंसिल बच गए एफ टू प्लस, अब एक बार एफ टू से भाग देंगे, एफ टू से एफ टू, एफ टू से एफ टू के कैंसिल बच गया एफ वन। तो ये सिचुएशन हो गया। अब जैसे इसको हम लोग चाहेंगे उलट सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे स्वेच्छा करें वैसे इसको हम लोग मंगा सकते हैं। तो एफ बराबर हो जाएगा एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू एफ टू बटा एफ टू प्लस एफ वन या एफ वन प्लस एफ टू। ये सूत्र हम लोग निकाल दिए फोकस दूरी का। अब आइए इसको भी नोट कर लेंगे। अब आइए मान लेते हैं कि ये जो दो लेंस हम लोग लिए हैं इन दोनों लेंसों का क्षमता, एक का क्षमता है पी वन तथा दूसरे का पी टू। देखिएगा अब इसके क्षमता का व्यंजक निकला जा रहा है। पहले लेंस की क्षमता पी वन, दूसरे लेंस का क्षमता पी टू और दोनों के जोड़ने के बाद इसका समतुल्य क्षमता जो है वो है पी। कितना है जी? पी। जब समतुल्य क्षमता पी है तो एकदम इजी वे, एकदम आसानी से देखिए यहां निकाल सकते हैं। यदि पहले लेंस का, देखिए नीचे लिखिएगा कि यदि पहले लेंस का क्षमता पी वन तथा दूसरे लेंस का क्षमता पी टू हो और इनकी समतुल्य लेंस का क्षमता पी हो तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, पी इक्वल टू वन बाई एफ हो जाएगा। यदि पी वन का बात करें तो पी वन इक्वल टू वन बाई एफ वन हो जाएगा और यदि पी टू का बात करें तो पी टू इक्वल टू हो जाएगा वन बाई एफ टू। अब चलिए समतुल्य लेंस के फोकस का फॉर्मूला क्या है भाई, वन बाई एफ, देखिएगा यहां वन बाई एफ लिख भी सकते हैं कि समतुल्य लेंस के फोकस से वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई, फॉर्मूला जो कहता है वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू, तीसरा रहता तो वन बाई एफ थ्री डैश डैश ऐसे एन तक होता तो एन तक लिख लेते। यहां देखिए चलिए अब वन बाई एफ बराबर किसके, पी के। अब पी वन बाई एफ वन किसके बराबर है, पी वन के। पी वन वन बाई एफ टू किसके बराबर है, पी टू के, पी टू। तो पी बराबर पी वन प्लस पी टू। अब यदि लेंसों की संख्या एन तक होता तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, पी बराबर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डैश 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 प्लस पी एन तक। ये भी फॉर्मूला हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं इसे। तेरा समतुल्य लेंस का, यहाँ केवल हम लोग दो ही लेंस लिए हैं और दोनों उत्तल लिए हैं, उत्तल अवतल भी जोड़ सकते हैं लेकिन दोनों पतले होने चाहिए, उत्तल अवतल, उत्तल उत्तल अवतल, मतलब इसको जोड़ जोड़ करके हम आप लोग को बहुत सारे चित्र बना बना करके उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तब तक फिलहाल इनको नोट कीजिए। चलिए अब आपके सामने उसी पॉइंट पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। पहला काम आप लोग का है कि आप लोग जितना जल्द हो सके इसको सॉल्व करके और कमेंट कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम आप लोग को ज़्यादा देर नहीं, 20 सेकेंड, 20 से 25 सेकेंड का समय देते हैं। सॉल्व कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए हम बता देते हैं इसको, आप लोग देख लीजिए। दो संपर्कित लेंस जिसकी क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 हो
तो समतुल्य लेंस का क्षमता कितना होगा? अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, P बराबर P1 प्लस P2। पहला का ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? ए। आगे बढ़ते हैं। यदि समान फोकस दूरी F के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो संयोग का फोकस दूरी कितना होगा? एकदम इजी, F1 भी है F और F2 भी है F। हम लोग समतुल्य लेंस के फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 बाई इधर F' मान लेते हैं ताकि आप स्पष्ट रहे। F1 का भी मान F और F2 का भी मान F, F F का LCM निकाल देंगे F। अभी तो देखेंगे इधर हो जाएगा 1 और प्लस 1 यानी 2 बाई F। अब इसको यदि उलट दें तो F' इज इक्वल टू हो जाएगा F/2, F/2। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? सी ऑप्शन आपका सी राइट है। आगे देखिए, करें 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की एक उत्तल लेंस 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की एक अवतल लेंस से संपर्कित हो तो संयोग का फोकस दूरी कितना होगा? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है आइए देखते हैं। सेम यही फॉर्मूला रहेगा। देखिए ये जो पॉइंट हम ऊपर है ना, समतुल्य लेंस के फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी और क्षमता पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। माने लेंस का ये मुख्य, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समतुल्य लेंस की क्षमता। और इस पॉइंट से अब प्रत्येक साल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक नंबर जरूर पूछता है और जरूर पूछेगा। आप लोग इसको इस बार भी कंफर्म रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्ट जरूर पूछता है, पूछेगा। ये देखते हैं, ज्यादा खास करके ऑब्जेक्टिव ही ज्यादा पूछता है। 20 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस है तो इसको F1 मान लेते हैं। 20 सेंटीमीटर उत्तल है, पॉजिटिव होगा। और दूसरे वाले को F2 मान लेते हैं, सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, ये माइनस में होगा क्योंकि ये अवतल है। देखिए ध्यान से, उत्तल है प्लस में, अवतल है माइनस में। अब F1 से हम लोग निकाल लेंगे P1। चलिए P1, P1 का मान निकालेंगे। सेंटीमीटर के लिए जस्ट इसके पहले हम आप लोगों को लेंस के क्षमता का फॉर्मूला पढ़ाए हैं। P1 बराबर हो जाएगा 100 बटा F1 यानी 100 बटा F1 का मान कितना है जी? 20, भाग दीजिए 5। पहले का क्षमता कितना है? 5 डायोप्टर। ठीक इसी से हम लोग P2 भी निकाल देंगे। P2 बराबर हो जाएगा 100 बटा में F2, 100 F2 का मान -40, भाग देंगे -2.5, P2 का मान आ गया। अब हम लोग समतुल्य लेंस के क्षमता P का मान सूत्र जानते हैं, P बराबर P1 प्लस P2। P1 का मान कितना है जी? 5। अब प्लस P2 का मान, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा, प्लस में 2.5 डायोप्टर क्षमता निकल गया। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग बना सकते हैं, बनाइएगा। और बना करके मैंने आपका ये कार्य है, ये वर्क है कि आपके पास किसी भी प्राइवेट प्रकाशन का किताब हो तो आप प्राइवेट प्रकाशन का किताब देखिए और देख करके उससे क्वेश्चन बनाइए, सीखिए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।